वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में रात से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे है गेट के सामने में हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सजना का घास लगाया हुआ है, तो काफ़ी मोटा मोटा हो चुके हैं। पता नहीं यहाँ का लोग तोड़ के, मतलब कि छोटे छोटे के टाइम में खाते नहीं, मोटा होने के बाद मतलब कि उसको खाते हैं दाल में मिला के। तो अभी जो है बच्चे भी यहाँ पे बाहर मेरे साथ निकाले हुए हैं, मतलब कि बच्चे दूसरे बच्चे लोगों के साथ खेलने के लिए अभी बच्चे लोगों को ढूंढ रहा है। अभी मैं ना आप लोगों को एक, मतलब कि एक इंसान से मिला देती हूँ जो पूरे रात हम लोगों को सोने में डिस्टर्ब करता है भौंक भौंक के। तो अभी भी ये भौंक रहा है, देखिए यहाँ पे है कुत्ता। कुत्ता मतलब कि यहाँ पे रहते हैं पूरे रात, लोगों को देखने पे भौंकने लग जाते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी भी वो भौंक रहा है। मुझे तो कुत्ता लोगों से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है गेंदा फूल भी उठ रहा है। अभी रात में ठीक से मतलब कि लाइट भी चल रही है, तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी खाना बनाने के लिए अंदर बाहर का नज़ारा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया, फिर कल फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मतलब कि पूरे अच्छे तरह से दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं घर के अंदर, फिर कुछ खाना बना रही हूँ मैं आज। अब तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को पूरे एंड तक। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ, आने के बाद देखने का काम देता हूँ और भी कुछ करना पड़ा एकदम आलसी है। तो यहाँ पे जो है मैंने कैलेंडर जो है ला के रख दिया है। मैंने जिस कंपनी में काम करती हूँ वो कंपनी से मैंने एक कैलेंडर लेके आया। आज हुए हैं 5 तारीख। ₹2023। पहले मेरे कान में नहीं था, अब मैंने लगाया है। तो मैं आज आलू का दम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल जो गर्म हो चुका है, अपने उबले हुए आलू, 3 बड़े बड़े उबले हुए आलू लिया है मैंने। हम लोग 2 लोग के खाने वाले हैं, तो मैंने कम सब्जी ही बनाऊंगी। इसमें डाला है मैंने हल्दी और नमक, ताकि कलर अच्छे से चेंज हो जाए, ब्राउन ब्राउन दिखे। गैस का फ्लेम जो है मैंने लो करके रख दिया है, अब इसको बढ़ा देती हूँ। आलू का दम मतलब कि अपना अपना स्टाइल में बनाते हैं। मैं आज आप लोग के साथ अपने स्टाइल में बना के आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग जरूर से वीडियो को पूरे देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ 1 लाइक कीजिएगा। आलू जो है मेरे पूरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों आलू जो है अभी ब्राउन ब्राउन हो चुका है। अब मैं डालूंगी कढ़ाई में बारीक कटी हुई प्याज। प्याज मैंने अब मैं डालूंगी इसमें बारीक एक कटी हुई प्याज डाल दिया। अच्छी मैंने प्याज लिया है मोटा वाला बड़ा वाला। प्याज को भी अच्छी तरह से ब्राउन करने लाएंगे, अच्छे से बनेंगे। थोड़ा सा चला भी देती हूँ। प्याज जो अच्छे से ब्राउन होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी बारीक 3 कटे हुए टमाटर। प्याज भी मेरे अच्छे से भून चुका है, अब मैं डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर जो है मैंने डाल दिया है अपने इसमें, मतलब कि नमक पहले से डाला हुआ है, इसलिए मैंने टमाटर में नमक नहीं डाला है। अपने इसमें अच्छे से चला देती हूँ। तो देखिए दोस्तों टमाटर भी मेरे हो चुका है,
मैं इसमें डालूंगी काले मसाले में मिल गया है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें पानी डाल के फिर से मैं मसाले को पानी में डाल देती हूँ ताकि मसाले में से ना गले। मसाला जो है गलने के बाद स्मेल जो है गंदा गंदा सा आता है, तो मैंने इसीलिए पानी थोड़ा सा डाल दिया और मसाला भी अच्छे से पक जाते हैं। तो हो चुका है मेरा मसाला भी रेडी। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू देखिए दोस्तों थोड़ा सा ही, मतलब कि हम लोग दो लोग के लिए मैंने आलू उबले हैं। आलू भी मेरा हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें एक ग्लास पानी। पानी डालने के बाद इसमें मैं अच्छे से बॉईल आने देती हूँ। सब्जी जो है मेरा अभी बॉईल मतलब कि आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मेरा सब्जी जो है हो चुका है रेडी। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक तो कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। बस सब्जी जो है मेरा रेडी हो चुका है। आज की ब्लॉग बस इतना सा ही। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर दीजिए।